दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने मेरे सेकंड चैनल पर ये फ्री अडॉप्शन की वीडियो पोस्ट कर दी है। तो अगर आप लोग इस डॉग को फ्री में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। हाय गाइस, एक प्योर क्वालिटी के यूरोपियन डोबरमैन इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास है और काफी ब्रीडर्स ऐसे होते हैं जो अमेरिकन डोबरमैन पपीज को यूरोपियन डोबरमैन बोल के लोगों को चिपका देते हैं, क्योंकि कुछ अमेरिकन डोबरमैन ऐसे होते हैं जो दिखने में काफी हैवी होते हैं और बहुत से लोग उन्हें यूरोपियन समझ लेते हैं। तो आज भी दोस्तों आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। वैसे तो ये पपीज अमेरिकन डोबरमैन है बट दिखने में ये यूरोपियन से कम नहीं है। वैसे फिलहाल इन पपीज को देखकर तो शायद आप लोगों को पता ना लगे, बट जब आप लोग इन पपीज के मदर फादर को देखोगे तो आई एम श्योर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि पपीज की क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो फिलहाल ये डोबरमैन पपीज बुकिंग के लिए अवेलेबल है, तो आप में से जो लोग भी इस ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो भाई अभी कर लो, क्योंकि हो सकता है कि बाद में कहीं आप लोगों को पछताना पड़े, क्योंकि ऐसी क्वालिटीज बार बार नहीं मिलती। और अच्छी बात यह है कि ये पपीज आप लोगों को दोनों ही कलर्स में मिल जाएंगे, चॉकलेट एंड ब्लैक एंड टैन। वैसे कहने में तो आप लोगों के पास अमेरिकन डोबरमैन ही होंगे बट दिखने में वो दूसरे डोबरमैन से यूनिक होंगे। वैसे अभी इन पपीज की और भी इन्फॉर्मेशन बाकी है, बट उससे पहले यह है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है करण सिंह, सेकंड है यश एंड थर्ड है गोपाल कुमार। तो गाइस पपीज तो आप लोग देख ही चुके हैं, ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं। आप लोग इसकी हाइट और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। और गाइस ये देखिए, ये है पपीज की मदर और इसकी भी क्वालिटी और हाइट बहुत ही अच्छी है और फीमेल काफी हेल्दी है। तो गाइस पपीज के पेरेंट्स को देखकर आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि पपीज की क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो जो लोग भी इन पपीज को परचेज करना चाहते हैं तो ओनर को एक छोटा सा टोकन अमाउंट पे करके इन्हें बुक करके रख सकते हैं, 30 डेज के बाद पपीज आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स अगर फिलहाल पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये सिर्फ 8 डेज के हुए हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है जोधपुर राजस्थान से। और गाइस मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ये बात सुनकर निराश होने वाले हैं कि इन पपीज पे आप लोगों को डिलीवरी नहीं मिल पाएगी। आप में से जो भी इन पपीज को परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट ओनर के घर विजिट करके इन्हें परचेज करना होगा। तो प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करें तो ये पपीज मेल और फीमेल दोनों ही अवेलेबल है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 17,000 रुपीज, 17,000 रुपए एंड फीमेल की है 15,000 रुपीज यानी 15,000 रुपए। वैसे प्राइस नेगोशिएबल है, परचेस करते टाइम आप लोगों को इनमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस इन पपीज की और इनके पेरेंट्स की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।